और इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, चुनाव आयोग द्वारा रैलियों पर लगाई गई थी रोक। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, वर्चुअल रैली के नाम पर सपा ने जुटाई भारी भीड़। इस वक्त की बड़ी खबर, सपा नेताओं पर ईसी ने लिया संज्ञान, सपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कोरोना प्रोटोकॉल का रैली में नहीं किया गया पालन, 15 जनवरी के बाद लिया जाएगा रैली पर फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे कि जब सपा ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ना करते हुए भारी भीड़ जुटा ली थी, वर्चुअल रैली के नाम पर भारी भीड़ जुटा ली थी, जिस पर अभी ईसी ने संज्ञान लिया है और सपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग द्वारा रैलियों पर लगाई गई थी रोक, वर्चुअल रैली के नाम पर सपा ने जुटाई भारी भीड़, सपा नेताओं पर ईसी ने संज्ञान लिया है, सपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने रैली के दौरान वर्चुअल रैली का नाम रखते हुए भारी भीड़ जुटा ली, जिसके चलते कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया और इस पर ईसी ने संज्ञान लिया है और सपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कोरोना प्रोटोकॉल का रैली में पालन नहीं किया गया, 15 जनवरी के बाद रैली पर फैसला लिया जाएगा। पुलिस ने धारा 144 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।